वालेकुम और हेलो मेरे इस चैनल पे और एक नई वीडियो के साथ मैं आप लोगों को वेलकम बैक करती हूँ। और जो नए हैं मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो उसको दूसरों के साथ शेयर भी करें ताकि लोगों को अगलों तक भी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। इस वीडियो को मैं एक्साइटिंग नहीं कहूँगी क्योंकि मैं नहीं कह सकती आपको इससे एक्साइटमेंट होती हो या ना होती हो, लेकिन मुझे अलबत्ता ज़रूर एक्साइटमेंट हो रही है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि आज मैंने लिया है एक नया एयर फ्रायर। और ज़्यादा क्वालिटीज़ बहुत हैं इसमें, वैरायटीज़ बहुत हैं। आप जितना चाहे लेना चाहें, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा एक्चुअली। तो चलें शुरू करते हैं अनबॉक्सिंग इसकी। दिस इज़ माय न्यू डब्बा पैक एयर फ्रायर जो कि है हायर कंपनी का। ये यहाँ लिखा हुआ है, ये हायर कंपनी का एयर फ्रायर है और इसमें इंक्लूडेड है 20 अमेजिंग रेसिपीज़ गाइड। 20 अमेजिंग रेसिपी गाइड इसमें मौजूद है और ब्रिलियंट ब्लैक कलर में 80% लेस ऑयल यूज़ करता है एयर फ्रायर तमाम तरह के। और रैपिड हीट वेव टेक्नोलॉजी, मेरा ख्याल से अगर इसमें रैपिड हीट वेव टेक्नोलॉजी है तो शायद मैं इसको माइक्रोवेव की तरह भी यूज़ कर सकती हूँ। कुछ नहीं तो मैं इसमें खाना थोड़ा बहुत गर्म कर ही सकती हूँ। अच्छा जी, ये एयर फ्रायर मुख्तलिफ साइज़ में अवेलेबल होते हैं। हमने जो है 3.4 लीटर का लिया है। चूँकि इसके जो साइज़ होते हैं वो आपकी ज़रूरत के हिसाब से होते हैं। अगर आपकी फैमिली बड़ी है, आपको ज़्यादा चीज़ें बनानी होती हैं, आप इसमें ज़्यादा साइज़ का, ज़्यादा बड़े साइज़ जो कि लीटर्स में होता है, आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी फैमिली छोटी है तो इसमें छोटे साइज़ में भी अवेलेबल है और मुख्तलिफ कंपनीज़ के अवेलेबल है। हमने लिया है हायर का एयर फ्रायर HAF 35B इसका नंबर है। और इसमें एक साइड पे इसके तमाम तर फीचर्स लिखे हुए हैं, जो कि लिखे हुए हैं कि ये ब्रिलियंट ब्लैक कलर में है, 1500 वोल्ट्स मैक्सिमम पावर इसकी 1500 वोल्ट्स ये यूज़ करता है, वॉट्स एक्चुअली 1500 वोल्ट्स ये यूज़ करता है। इसकी फूड कैपेसिटी जो है, जो मतलब सबसे ज़्यादा हम फूड डाल सकते हैं, वो 3.4 लीटर्स तक की डाल सकते हैं। रैपिड हीट वेव टेक्नोलॉजी है, फ्राइंग ग्रिल बेक और रोस्ट कर सकते हैं। ये फ़ीचर मैंने तलाश करके मैंने इस फीचर के हिसाब का लिया क्योंकि मेरा प्लान था कि आगे मैं, अगर मुझे मौका लग सका तो शायद मैं बेकिंग वगैरह भी थोड़ी बहुत कर लूँ इसमें। इसमें डिफरेंट तरह के ये जो इनके फीचर है इस पर अवेलेबल है। ये खाली फ्राइंग के लिए भी यूज़ हो सकता है, खाली फ्राइंग और ग्रिल के लिए भी यूज़ हो सकता है। कुछ अब लेटेस्ट जो है माइक्रोवेव के साथ आ रहे हैं जो कि माइक्रोवेव ओवन की शेप में होते हैं, आप उसमें कर सकते हैं ये काम। कुछ हैंगे जो कि डायल के साथ हैं, कुछ है जो अब टच के साथ आते हैं जिनमें प्री डिफाइंड तकरीबन उनमें रेसिपीज़ या दिए भी होती हैं चीज़ें। अच्छा, ये जी लेस ऑयल यूज़ करेगा, ये तो सबको मालूम है कि ये लेस ऑयल यूज़ करता है। इसकी जो 60 मिनट्स का एक घंटे का टाइमर है, एक घंटे के अंदर अंदर आपको जो पकाना है आप इसको दोबारा चला सकते हैं। मैक्सिमम इसका 1 आवर 60 मिनट्स का टाइमर है। टाइमर चूँकि मैंने डायल वाला लिया, मुझे डायल वाले की ज़रूरत थी, मुझे ये ज़्यादा फिजिबल लगा क्योंकि मेरे घर में बच्चे मौजूद हैं और वो आएंगे तो टूं 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 टुचियाँ करते रहेंगे इसके साथ, तो मैंने डायल वाला प्रेफर किया। अच्छा जी, ऑटो शट ऑफ है। टेम्परेचर कंट्रोल, मैक्सिमम इसका टेम्परेचर है क्या 20 डिग्रीज़, जो कि बेकिंग में हम करते हैं तकरीबन 200 डिग्रीज़ है, जो कि बेकिंग में हम 180 डिग्रीज़ तक करते हैं। ये इसका तार है जिनसे हमने खरीदा है।
ओके वी हैव अ वारंटी कार्ड एंड मैनुअल हेयर विद अस, तो मैं आपको थोड़ा बहुत इसका स्नीक पीक दे दूँ। ये वारंटी कार्ड है जो कि ये हायर वारंटी देता है अपनी अप्लाइंसेस में। 1 ईयर वारंटी है जो आप देख सकते हैं, ये 1 ईयर वारंटी के साथ अवेलेबल है। इसका इंस्ट्रक्शन मैनुअल भी इसमें मौजूद है। ये इंस्ट्रक्शन मैनुअल हैगा HEF 35B। ऑटोमेटिक स्विच ऑफ है, EMF से ये बचा हुआ है, और ओवर हीटिंग प्रोटेक्शन है, जहाँ ये गर्म होने लगेगा वहाँ ये बंद हो जाएगा। ये और आखिर में इसमें लिखे भी है, ये एक टेम्परेचर कंट्रोल गाइड है इसकी, जो कि सेटिंग के हवाले से है कि आपने कितने कितने टेम्परेचर पे चलाना है। स्वीट स्नैक बेकिंग जो है वो चलेगी 160 डिग्रीज पे, मफिन्स होंगे 200 डिग्रीज पे, और स्प्रिंग रोल चिकन नगेट्स फिश फिंगर्स 2200 डिग्रीज पे डिग्री सेंटीग्रेड पे तैयार होंगे, जबकि बाकी तमाम चीज़ें 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे तैयार होने वाली हैं। अच्छा जी जनाब, इसमें फ्रेंच फ्राइज वगैरह भी छोटे मोटे हर तरह के बना सकते हैं। अच्छा जी, और आखिर में उन्होंने लिखा है ट्रबल शूटिंग, के अगर आपको कोई और प्रॉब्लम होता है तो आप इसको ट्रबल शूट कर सकते हैं। हाँ, द मेन थिंग। अच्छा जी, ये रेसिपी बुक जो हायर के साथ अवेलेबल है, ये तमाम तरह के एयर फ्रायर्स के साथ अवेलेबल नहीं होती है, ये आपकी अपनी चॉइस है। अगर आपको ऐसा कोई एयर फ्रायर चाहिए जिसको आपने कभी यूज़ नहीं किया, या आप चाह रहे हैं उसके साथ आपको हार्ड फॉर्म में, हार्ड कॉपी की फॉर्म में इस तरह कोई कॉपी अवेलेबल हो, रेसिपी बुक हो कोई, तो आप कंसीडर कर सकते हैं एयर फ्रायर हायर का, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। इट्स टू इकोनॉमिकल फॉर मिडिल एवरेज नंबर ऑफ मेंबर्स, मतलब हमारे यहाँ 4 लोग हैं, तो 4 लोगों के लिए इतना सही है, बहुत है। पहली रेसिपी है चिकन ड्रम स्टिक की, हाँ जी। तो ये हो गई हैं इसकी 20 रेसिपीज़, मिक्स अंदर बाहर की सब तरह की, इंडियन और कॉन्टिनेंटल और पाकिस्तानी सब तरह की मौजूद है। तो मैं इसको वापस रख देती हूँ, जिसे मैं पकाऊँगी उस दिन खोलूँगी। ये जी, ये मेरा थोड़ा दूर कर दूँ, ये है मेरा नया एयर फ्रायर, बड़ा क्यूट सा है, छोटा सा, इट जस्ट लुक लाइक। The upper one is for timer and the lower one is for temperature control. इसकी खासियत ये है कि जब आप
एयर फ्रायर ये इस तरह का है जी, ये कोई डिज़ाइन है मतलब किसी कोई ख़ास ऐसे वो काम की चीज़ नहीं है, इट इज़ जस्ट अ डिज़ाइन। इसके नीचे है जा कोई प्रीसेट बटन जो कि मुझे नज़र नहीं आ रहा, चाइना का बना हुआ। अच्छा जी, इसको क्या करते हैं, देयर माइट बी देयर शुड बी अ प्रीसेट बटन जो कि हमें मिल नहीं पा रहा है। अच्छा जी, ये आउटलेट है इसका, एयर फ्रायर में डिफरेंट जगहों पे आउटलेट्स होते हैं, इसका पीछे है, किसी के साइड्स में होते हैं, किसी का ऊपर भी होता है, और इसकी जो बॉडी है ये कहते हैं अपनी मैनुअल में कि ये बॉडी गर्म नहीं होगी, ठीक है। ये इसका टाइमर है और ये इसका टेम्परेचर कंट्रोल नॉब है। ये टेम्परेचर जब ये गर्म हो जाएगा ना उस वक्त ये लाइट ऑन हो जाएगी, या ओवर हीट जब ये होगा उस वक्त ऑन होगी, और ये अभी चल रहा है, ये काम कर रहा है टाइमर, ये उस वक्त लाइट ऑन होगी इसकी, ठीक है। इसको यूज़ कैसे करेंगे, इसको खोलेंगे कैसे, इसको ऐसे यहाँ से पुश करेंगे और ये बाहर आ गया, ठीक है, ये बाहर आ जाएगा। ये बहुत अच्छा हैंडी सा है, लेकिन ये जो है आप ऐसे इसको निकाल नहीं सकते अनलेस अनटिल आप इसको यहाँ से प्रेस करके ये आप निकाल सकते हैं इसका, जो कि ये इसकी बास्केट है, इसके पैन में इसको वापस लगा के एडजस्ट करेंगे। बास्केट उस वक्त तक काम नहीं ये एयर फ्रायर करेगा जब तक ये पूरी बास्केट अपनी उसके साथ अंदर नहीं फिट हो जाती। ये फिट हो गई अब बहुत अच्छे तरीके से। सो गाइस, दिस वाज माय एयर फ्रायर, आप एक छोटा सा इंट्रोडक्शन इस छोटे से अप्लायंस के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी मेरी वीडियो, और अगर नहीं भी पसंद आई है तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि किस तरह मैं अपनी वीडियो को और बेहतर बना सकती हूँ। इसके अलावा आप लाइक भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें, इससे मेरी हिम्मत में और इजाफा होगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।